Welcome back to my channel. Please subscribe and share it with your friends and family. Friends, आज आपको मैं एक पुराने ट्राउजर से दो छोटी छोटी फ्रॉक्स बनाना सिखाऊंगी, बेबी फ्रॉक्स, गर्ल्स फ्रॉक्स, ठीक है। अगर आप कपड़ा लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं और बड़ी लड़कियों के लिए भी बना सकते हैं। ये 10 इयर्स 12 इयर्स की लड़कियां भी इस तरह की फ्रॉक्स पहन सकती हैं, साथ में आप जीन्स भी पहन सकते हैं। तो मैंने एक शर्ट काट ली है। अब मैं जो ट्राउज़र का दूसरा हिस्सा है, ये एक मेल ट्राउज़र था, तो मैंने उसके एक हिस्से से जो है काट ली है शर्ट, और अब मैं आपको दूसरे से काट के दिखा देती हूँ कि आपने कैसे एक पैंचा जो होता है ट्राउज़र का, उससे आप शर्ट कैसे काट सकते हैं। तो आज मैं आपको दो बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक्स बनाना सिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको साथ में सिखाने वाली हूँ। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ कि जिस तरह आपने शर्ट्स काटी हैं, इस तरह आपने दो और इस तरह पीस काट लेने, ठीक है। इस तरह के आपको दो पीस चाहिए होंगे, ये आप ऊपर रख के इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह के आपने दो काट लेने हैं, एक को आपने जोड़ लेना है और दूसरे ऊपर मैं आपको हार्ट बनाना सिखाऊँगी कि आपने उस पर किस तरह जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये जो फ्रंट वाला, जो बैक वाला हिस्सा है, उसके साथ मैं इसको जोड़ रही हूँ, ठीक है। इसको आप इसके साथ स्टिच करके सीधा कर लें। अब जो दूसरी साइड है, ये मैंने सीधी करके रख ली। अब जो दूसरी साइड है आप उस पर देख सकते हैं, नीचे मैंने वैसे ही हार्ट जो है वो नीचे मैंने वैसे ही कपड़ा जोड़ा है, और ऊपर ये जो जगह है इसको मैंने एक हार्ट की शेप थी मेरे पास वो रख के, और मैंने पहले से ही कपड़े पे काट लिया था। फिर मैंने इसके ऊपर रेड कपड़ा लगाया है और साथ में ऊपर बुकरम रख दिया, बुकरम से वो बहुत फिक्स रहेगा। तो इस तरह जो है ये हार्ट आप ऐसे कि आप कोई सैंपल ले लें हार्ट का, ऊपर रख के और उसकी कटिंग कर लें पहले से, स्टिचिंग करने से पहले। उसके बाद आपने रेड कपड़ा लगाना है, और रेड कपड़ा लगाने के बाद आपने पीछे बुकरम लगा के उसको प्रेस कर लेना है। इस तरह ये आपका तैयार हो जाएगा। और फिर आप इसको ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ के, देखें मैं तकरीबन एक उंगली जितनी जगह छोड़ रही हूँ, और फिर आपने इसको ऊपर से स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है वो हमारा, हमने उसको छोटे छोटे कट्स लगा के, आप कैंची से उसको हल्का हल्का काट दें, या जो कैंची से छोटे छोटे काटने के बाद आपने उसको हल्के हल्के से किसी भी चीज़ से आपने उसको ऐसे पेंसिल या कुछ ऐसे करेंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत से एक स्टाइल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये हार्ट मैंने इस तरह काटा कि मैंने लैपटॉप से एक पिक्चर ले ली हार्ट की, वो कटिंग करके पेज पे इसको रख के मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर पेंसिल से, और फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये मेरा फ्रंट जो है वो इस तरह का होगा, ठीक है। बीच में मैंने रेड कपड़ा लगा लिया, और जो दूसरा है उसका जो रेड कपड़ा है वो पीछे आएगा। अब मैं इसके साथ दो स्ट्रिप्स बनाऊँगी, ये आपने लॉन्ग स्ट्रिप्स बनानी है। ये देखें आपने किस तरह इसको बंद करके, और आपने स्ट्रिप जो है वो सीनी है। इस तरह दो लॉन्ग स्ट्रिप्स जो है वो आप स्टिच कर लें इसके साथ, क्योंकि ये ऊपर की स्ट्रिप्स बनेंगी और इसको हम बांध के बंद करेंगे।
तरह फ्रेंड्स आपने इसको दोनों स्ट्रिप्स को अलग अलग करके आपने इस तरह बांध के और आपकी फ्रॉक जो है वो तैयार हो जाएगी। नीचे जो पाइपिंग है वो कर लीजिएगा आप दामन पे, मैं आपको वो दिखा नहीं रही, बस मैंने वो कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट फ्रॉक दिखाऊंगी। देखिए बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक तैयार हो गई है। कलर कम्बिनेशन आप कोई सा भी कर सकते हैं और ये बड़े भी पहन सकते हैं, छोटे भी पहन सकते हैं, 10 साल की 12 साल की बच्चियों के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह इसकी अब मैं जो दामन है उसकी भी मैं स्टिचिंग कर लूँगी और मेरी फ्रॉक जो है वो रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको अपनी एक बहुत ही खूबसूरत दूसरी फ्रॉक दिखाने लगी हूँ जो बहुत प्लेन और सिंपल है। ये देखें, कटिंग हमने पहले कर ली थी। सबसे पहले हम इसके शोल्डर्स को सी लेंगे, फिर जो कपड़ा होता है जिस तरह मैंने रेड सेलेक्ट किया हुआ है डॉट्स वाला, आजकल इसका बहुत फैशन है, डॉट्स के कपड़े लोग बहुत पसंद करते हैं, तो ये डॉट्स का लेके ऐसे मैंने गोल काटा हुआ है बाजुओं के लिए। ठीक है, आप भी इस तरह काट के और आप इसे बाजुओं वाली जगह पे इसको हल्के हल्के से चुनट दे के आपने इसको स्टिच कर लेना है। आपने स्लीव्स करने के बाद आपने गला इसी तरह अटैच कर लेना है और इसको फिर आप इस तरह फोल्ड करके जिस तरह गला स्टिच करते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने पहले अटैच कर लिए, छोटे छोटे कट्स लगा लिया। कट लगाने के बाद मैं इनके जो बाजू हैं उसको मैंने फुल कर लिया। ठीक है, आप उसको स्टिच कर लें नीचे तक। दोनों साइडों को हम बंद कर लेंगे। ये एक बहुत ही प्लेन सी जो है वो मैंने आपको फ्रॉक बनाना सिखाई है। इसी तरह आपने दामन को भी कर लेना है। इसके अलावा जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ इसके साथ एक छोटा सा हैंडबैग हम बनाते हैं, वो चाहे तो आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं और चाहे तो आप अलग से बना के बच्चे को दे सकते हैं, इससे वो बहुत खुश होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो बहुत क्यूट लगता है। ये देखें, ये मैंने बनाया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने किस तरह बनाया है। ठीक है, ये जस्ट ये है कि इसी के साथ है, ये मैंने बुकरम से एक पेयर काट लिया था। ठीक है, जिस तरह मैंने हार्ट काटा था बुकरम से, मैंने काटने के बाद उसके ऊपर मैंने ब्लू कपड़ा जो है वो आगे और पीछे दोनों तरफ से चिपका दिया है अच्छे से। और ये मैंने बो के लिए इस तरह आपने गोल सा एक स्क्वायर सा काटना होता है, वो भी मैंने काट लिया है। अब आपने बुकरम से जब इसको चिपका दिया दोनों साइडों से कपड़े को, तो आपने इसको स्टिच कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। और स्टिच करने के बाद हम इसके ऊपर एक बो लगा देंगे। जो रिबन लगा हुआ है वो भी मैंने सुई से जो है वो इसको नीडल से मैंने अटैच किया है, ये जो पूरा बड़ा रिबन है। आप चाहे तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं फ्रॉक के ऊपर, अगर आप चाहे तो वैसे बच्चों को दे सकते हैं और जिप वाला भी बना सकते हैं। वो भी हम आपको आगे वीडियोज़ में बताएंगे कि आप कैसे छोटे छोटे हैंड बैग्स और पर्स वगैरह बना सकते हैं घर में। ये मैंने स्टिच कर लिया है। रिबन इस तरह आप लंबा सा ले लें जितना के साइज़ है बच्ची का। ठीक है, उसके बाद ये देखें, इस तरह सिंपल राउंड में काटनी होती है और फिर आप उसको सीधा करके उसके बीच में आप इस तरह अटैच करके इसकी आपकी एक बो तैयार हो जाएगी और इसको आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर रख के मैं इसको इसके ऊपर लगा दूँगी। बहुत आसान है बो बनाना, हम आपको और भी फ्रॉक सिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी, और वेरी सुन आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। आप चाहे तो आप इसको शर्ट के ऊपर अटैच कर लें, अगर आप अटैच नहीं करना चाहते तो आप बेशक इसको जो है वो जस्ट उसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्यूट लगेगा। ये देख सकते हैं आप, हमारी दो बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक्स तैयार हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें ताकि हम आपकी डिमांड के मुताबिक वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।